लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। प्रखंड स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन। किशनपुर टीम ने 0-1 से बढ़त बनाकर हुए विजयी घोषित। पाट प्रखंड के 10+2 हाई स्कूल के फील्ड के प्रांगण में आज प्रखंड स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन किया, जो दिनांक 12 जुलाई से 16 जुलाई तक चला, जिसका आज फाइनल मैच किशनपुर बनाम कसवाखाड़ के बीच खेला गया। इस खेल के मुख्य अतिथि पाटन प्रखंड के प्रमुख शोभा देवी एवं पश्चिम जिला परिषद जयशंकर सिंह उर्फ संग्राम सिंह रहे, जिसमें दोनों टीम के खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए खेल को दर्शकों के बीच में दिखाने का काम किया, जिसमें दोनों टीम को 15-15 मिनट का टाइमिंग दिया गया। इस टाइमिंग में दोनों टीम ने कोई भी टीम के ऊपर गोल मारने में असफल रहा। बाद में कमेटी की तरफ से 10 मिनट का टाइम और मिला, जिसमें किशनपुर टीम ने 0-1 से बढ़त बनाकर इस खेल को जीत लिया एवं कप पर अपना कब्जा किया। मौके पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से दोनों टीम को फर्स्ट प्राइज एवं सेकंड प्राइज देने का काम किया। वहीं पर पश्चिमी जिला परिषद जयशंकर सिंह और संग्राम सिंह ने बताया, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा खेल खेला है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आप लोग इसी तरह खेल को खेलते हुए अपना जिला और अपने जिले का परचम लहराएं। किसी तरह की परेशानी हो तो आप हमें निसंकोच बताएं। पर उपस्थित रहे पाटन प्रमुख शोभा देवी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी प्रतिभा कुमारी आदि लोग उपस्थित रहे। पाटन से रामाशीष कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं किशनपुर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और कसवाखाड़ को भी धन्यवाद देता हूं। आज ये सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन राज्य स्तरीय और प्रखंड स्तरीय किया गया था, और यह जो सो प्रखंड स्तरीय दो मतलब 12 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक खेला गया, और कल से जिला में खेला जाएगा, जिला से राज्य तक खेला जाएगा। सबसे पहले जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, जितने भी हमारे मुखिया जी हैं, हमारे ये प्रखंड प्रमुख हैं, जितने भी गणमान्य लोग हैं, सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि अपना समय मूल्यवान समय निकाल करके देखने आए और आनंद लिए। आज का दिन बहुत रोमांचक रहा पाटन के लिए कि सारे टीम मिलकर खेले और अंतिम में फाइनल में दो टीम आए, कसवाखाड़ और किशनपुर, जिसमें विजेता किशनपुर और उपविजेता कसवाखाड़। और यह कोई जीत नहीं है, अभी तो इन लोग का शुरुआत है। लोग राज्य क्या देश स्तरीय खेलेंगे, विदेश स्तरीय खेलेंगे, हम वो चाहेंगे कि यहाँ से बनकर गढ़े जाएं और विदेश तैयार करें। और हम सब टीम को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और प्यार देता हूँ। अगर उन लोगों को कभी भी खेल संबंधित कभी भी, हम पहले भी बोल चुके हैं और आज ही बोल रहे हैं, कभी भी खेलने में कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे संपर्क करने की कोशिश जरूर करेंगे, हम जरूर आप लोग के साथ रहेंगे, चाहे वो राज्य के लिए जाना हो या देश के लिए जाना हो या विदेश के लिए जाना हो, कहीं के लिए भी खेल के लिए हम हमेशा उन लोग तैयार हैं, तत्पर हैं। मैं सबसे पहले किशनपुर के सभी खिलाड़ियों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और कसवाखाड़ को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जो खेलता है वही हारता है, और इसी तरह आगे बढ़ें। अब मैं जो किशनपुर के जो खिलाड़ी हैं आज यहाँ जीते हैं प्रखंड में, यहाँ से राज्य में जाएंगे, और मुझे उन लोग से अपेक्षा है कि उन लोग जीत कर राज्य में जीते और इससे भी आगे बढ़े। अपना खिलाड़ी हैं इस सुब्रतो फुटबॉल टूर्नामेंट में आज विजय घोषित हुए, तो अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? आज अपने खिलाड़ी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, और जो भी इस कार्यक्रम के तहत खिलाड़ी खेले मैं उनका भी उत्साह बढ़ाना चाहती हूं। हार जीत तो दो ही है, इसलिए जो हार गए हैं मैं उन लोगों के लिए कामना करती हूँ कि वो भी एक दिन जीत कर, आज जो किशनपुर का टीम जीता है उन लोग भी एक दिन इसी मंच पे उन लोग भी जीत कर अपना हासिल करेंगे, और मैं उन लोगों के लिए भी हमेशा कामना करूंगी। और कसवाखाड़ खिलाड़ी भी बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा, बाकी भी जितने खिलाड़ी खेले सबने अपने अपने प्रयास किए कि हम अपनी अच्छी तरीके से अपने खेल का प्रदर्शन करें, मैं उन लोगों के लिए शुभकामना देती हूं। और जो किशनपुर के खिलाड़ी जीते हैं मैं चाहती हूं कि जिला लेवल पर जीत के स्टेट लेवल तक जाए, मैं इतना उन लोगों के लिए बहुत कामना करती हूं।